अपने शहर और आसपास की खबरें पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। अमृतसर के सुल्तान बिंद रोड के टाहली वाला बाजार में प्रॉपर्टी को लेकर दो भाइयों के बीच झगड़े का मामला सामने आया है। दोनों भाइयों का प्रॉपर्टी का केस चलने के बावजूद एक भाई ने दूसरे भाई पर जानलेवा हमला कर तीन लोगों को घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर की नाम? मैं संजीव महाजन। ये मेरे बड़े ब्रदर ने, कज़न ब्रदर ने, ये दोनों मेरे भतीजे ने, सनी दे हनी। ये आज अपने टाली साहब बाजार अपनी दुकान 10:30 बजे ना खोलन गए हैं। तो इन्हों का चाचा विनोद कुमार, वो दो लड़के रॉबिन ते हेमंत ऑलरेडी उत्थे खड़े से। ये ताला खोलन की कोशिश की इन्होंने अपना, इन ऑर्डर टू पुट अप द शटर। उन्होंने हमला करता, आयरन फिस्ट पाई हुई सी, इन्हों भी लगी हैं काफ़ी, शायद ये फ्रैक्चर है, डॉक्टर मुलाजा कर रहे हैं। झगड़ा कोई नहीं जी, इन्हों का एक प्रॉपर्टी का केस चलता पे, ज्वाइंट प्रॉपर्टी का, जिसे अद्धे दे मालक ने, अद्धे कोर्ट केस चलता पाया वा। दोनों पार्टियां ने वकील किए हुए ने, पेश होंगे ने, लड़ रहे हैं। अज बिना किसी कारण तो, बिना किसी उकसाट तो उन्होंने आल ऑफ सडन हमला करता इन्हों, तिना इंजर्ड करता इन्हों। पुलिस कंप्लेट की है? पुलिस कंप्लेट की है। हम पुलिस वाले को डॉक्टर लैके इन्हों का डॉक्टरी मुलाजा हो रहा जी। अजय हाँ, साड़ी तो दुकान अजय खुली सी, बच्चे दसते हैं तो वो सी सी टी बाद जाएगी, पर पड़ोस वाली दुकान खुली सी, सी सी टी कैमरे लगे और पुलिस वाले इनफॉर्म करता कि वो सी सी टी फुटेज अपने कब्जे से ले लो, जो मिलती है असं देख लेंगे। जो इंसाफ है बंदा जी, उन्होंने किया जाए। जिस तरह का उन्होंने मार्केटाइज की है, साढ़े परमिसिस इलीगली फोर्सफुली दाखिल होए ने विद द कॉमन इंटेंशन टू हर्ट दैम, क्योंकि उन्होंने परपज़ एक ही दुकान खोलने तो पहले कि इन्होंने मारना ही मारना वा, और जाते बाकी धमकियाँ देकर कहते शुरुआत ही है, अजय कोई होर वेखियो नज़ारा, यह शुरुआत ही समझो। हाँ, पहले भी धमकियां दित्तियां इन्होंने बड़ी, काफ़ी शहर के आदमी मोतबार में पे हुए हैं, उन्होंने भी धमकियां देंगे कई गुलशन में नहीं छड़ना। जी मेरा नाम रॉबिन महाजन है, मेरे पिता जी का नाम विनोद कुमार महाजन है। साड़ी एक दुकान टाली साहब बाजार नहरू मार्केट 895 1 to 9 उत्थे वसदी है। साडा 11 महीनों तो एडवोकेट संजीव महाजन के डायरेक्शन से साडा वड्डा ताया, साडा ताया गुलशन महाजन के अपने बच्चों के नाल दीपक महाजन, सन्नी महाजन, हनी महाजन साढ़े कपड़िया का माल, बिल बुक, किताबा सब कुछ चोरी कर कर लैके जाते रहे, चाबियां भी चोरी। सानू 7 अगस्त तो सानू इन्हों की सुक मिल गई थी, असर सी सी टी वी कैमरे वेख ले सी कि इन्हों ने दिन दिहाड़े आ के साडे दकैटी पाई है। तो 20 अगस्त में भी कल शाम को भी इन्होंने साढ़े खाली डब्बे रख के साडा माल टोटली पूरा लै चुके हैं, तो उस तो बाद ताले मार के रख देते हैं। फिर आप भी जो ताले मारे सवेरे आके अपने माल बारे पुछन, तो इन्होंने मेरे छोटे भरा हेमंत महाजन तो मेरे पिता जी विनोद कुमार महाजन से हमला करता। मैं बच बचा जो इन्होंने गया, इन्होंने गुलशन महाजन तो हनी महाजन ने मैनू पिछों फड़िया, तो सन्नी महाजन ने मेरे ते गात्रा, मेरे सिर ते रोडा, तो मेरे सानू लंगड़ा करन तिनों प्यो पुत्रां, मेरे प्यो दे पट दे विच रोड पै दी है 2013 तो, जिते 13-14 फ्रैक्चर सी, सानू लंगड़ा करन दी पूरी कोशिश की इन्होंने। सानू हाँ जी जी, अज ही मैं पुलिस कंप्लेंट की है जी। पुलिस वालों साड़ी जी दरखास्त इन्हों की चोरी संबंधी जी 7 अगस्त में हुई सी, वो एक हफ्ते बाद 14 अगस्त में डायरी नंबर 744-5C के अंडर लिखी गई है। मैं 10 अगस्त में ऑनलाइन DGP भी कंप्लेंट पाई सी इन्हों के खिलाफ कि यह चोरी तो इन्हों के घातक मनसूबे तो सानू बचाया जाए, यह रिवोल्वर की धमकियां देंगे, जोड़े लसंसी रिवोल्वर इन्हों को है, जोड़े संजीव महाजन को भी है तो इन्हों परिवार को भी है। ए दम से यह वक्रे वक्रे एडवोकेट वजंत खन्ना सारे वक्रे वक्रे एडवोकेट साढ़े खिलाफ खिलार के झूठे साढ़े केस पवा के कोर्टा सानू सरंभ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगे किसी वध के दस ना सकन। असी कहने कि तो वह तो वह कार्रवाई हो, मनसूबिया कार्रवाई हो ही जाए तो सानू एक सुरक्षा मिली जाए। सानू गुलशन कुमार जी, मेरे ना ने दूसरी बिल्डिंग ने झगड़ा पाया है, मेरी मतलब उनका विनोद कुमार दूसरी बिल्डिंग से झगड़ा पाया है, वो कहना मैं मदर मैं बिल कर गई है, तो मैं क्या जो कर गई तो कोर्ट राय मैं पेश कर दे तो लै लै ठीक, जो कोर्ट कहेगी ठीक है तो लै लै केस चलता पाया। तो इधर वो परले पासे बच्चा मेरे दुकान है, वो अपने खोलते पे ही तो उन्होंने पै गए तिने प्यो पुत्र, तो उन्होंने
काफ़ी कुटिया मैं गया छड़ा तो फिर मैंने भी देख लो की हाल किया कोई हाथ तो कुछ पाए था इतने इस जगह से वो पा के मेरे पिट से ढिड से नहीं मेरे दर्द होंगे भी सारे मारे फिर मूँह तो मारे उन्होंने पता मैं अखा का ऑपरेशन कराया था मेरी ऐनक तो मारे ऐनक टुट गई सारी उत पई दी है टुटी दी तो यह सारे इधर मेरे जख्म इधर भी मारे दंदा से मारे सारे दर्द हो रही सारे असं तीन जने तीन ही असं सीसीटीवी कैमरे जी साढ़े दुकान बंद सी खुली होंगी तो आ जाना सी एना तो इन्होंने पहला भी साढ़े एक बार घर इन्होंने बंदे लिया साढ़े को सारी हैगी फुटेज थाने भी लाई हुई है वो बंदे बाद माफ़ी मांगे देना थाने उस बाद कोतवाली एक बार फिर बंदे लैके आए थे ता भी असी फुटेज साढ़े को हैगी अभी कोतवाली रिपोर्ट लाई थी 6 महीने पहला तो हूँ असी भी हूँ रिपोर्ट लिखा के फिर इधर आए सीसीटीवी फुटेज जाकर नाल के पास उधर शायद आई होगी नाल की दुकान हैगी मेन वो कहना दुकान मैं सारी दे दौ मैं भी जो तेरा हिस्सा बंदा तू अपना ले ला साड़ी जी जो इंसाफ है वो दौ सू और सारी चाहिए जरूर को इन्होंने फिर साढ़े हमले करने ही करने मतलब अगे भी 3-4 बार कर फटे हूँ हूँ आज आज देख लो कि हमला सिक्योरिटी चाहिए असं अगे भी मंगे कतवाली साहब पुलिस वालों नहीं खास नहीं हो रही मामला गुलशन कुमार जी विनोद कुमार जी दोनों भरा आपस लड़ाई हुई है दुकान तो ठीक है तो दोनों ने दरखास्त दी है दोनों डॉक्टर कट के दिते हैं तो जो बनती कार्रवाई की जाएगी दोनों नहीं एनकाउंटर अमृतसर से जतिन कुमार की रिपोर्ट।